आम आदमी पार्टी जिंदाबाद, आम आदमी पार्टी जिंदाबाद, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, आम आदमी पार्टी जिंदाबाद, आम आदमी पार्टी जिंदाबाद। बॉर्डर को इग्नोर करना बंद करो, बंद करो, बंद करो। बॉर्डर के लोगों को इग्नोर करना बंद करो। की तरफ से जम्मू पुंछ लोकसभा क्षेत्र का युवा प्रधान सन्नी कांचीव और मेरे जम्मू डिस्ट्रिक्ट के संसार जी, हमारे एनपी सिंह जी, बाली जी और हमारे ओपी जी और आम आदमी पार्टी के मेंबरानों ने आज हमारे बॉर्डर एरिया के जो इनोसेंट लोग हैं उनके प्रदर्शन में आज हमने यहाँ पे प्रोटेस्ट रखा है। वो कई दिनों में, कई सालों से जो है वो बिजली को लेके, नहरों को लेके, ट्यूबवेल्स को लेके, पूर एजुकेशन को लेके, पूर कनेक्टिविटी को लेके आज हमें काफ़ी फील हुआ और दुख हुआ, क्योंकि मैं भी उस एरिया से बिलोंग करता हूँ। जब वहाँ पर जाता हूँ तो देखता हूँ तो इतनी खस्ता हालत देख के हमें बड़ा अफसोस होता है कि हम लोग डिजिटल इंडिया, स्मार्ट सिटी, कैसी कैसी चीज़ों की बातें करते हैं, लेकिन हमारा जो पीछे का इलाका है वो बिल्कुल वर्स्ट है। जो बिल्कुल बॉर्डर एरिया के साथ साथ लगता इलाका है उनको ये तक नहीं पता कि जम्मू में भी कुछ ऐसा होता है। उन मासूम लोगों की आवाज़ उठाने आज हम आम आदमी पार्टी की तरफ से आए हैं और उनकी जो डिमांड है वो पूरी करवाने में हम सक्षम रहेंगे और हमारी आने वाली जो है, जो हमारे सरकार या हमारे लोग बराबर उनका साथ देंगे, उनके हक हकूक के लिए खड़े रहेंगे, उनके घर घर जाके उनकी प्रॉब्लम जो है वो हम सुनेंगे और पूरा करवाने में हमारा जो है साथ उनका दिल्ली तक ये रहेगा। देखिए, तीन चार चीज़ें हैं जो आम जनता को मूलभूत सेवाएं चाहिए, मेडिकल की, एजुकेशन की, बिजली की और पानी की। ये समस्या जो है ये कॉमन समस्या, अगर ये सरकार इन समस्याओं को नहीं सुलझा सकती तो आप समझ लीजिए डिजिटल इंडिया या फिर जो बड़ी बड़ी बातें की जाती हैं वो सिर्फ खोखले दावे दिखाई दे रहे हैं। और मैं आपको ये भी कहना चाहूँगा, ये किसान मारू सरकार है, बॉर्डर एरिया के लोग पाकिस्तान पर, पाकिस्तान द्वारा फेंके गए मोटर शेल और बम्बों से जूझते हैं, उन गोलीबारी पर वो अपनी जाने गंवाते हैं, शहादत प्राप्त करते हैं, लेकिन वो किसानी से जुड़े हुए हैं। अगर वो तब भी बमबारी में वहाँ से नहीं उठे, वहाँ पर टिके रहे सिर्फ भारत के लिए, हिंदुस्तान के लिए, लेकिन अब ये उनको मारने का एक नया तरीका निकाला गया। जम्मू में बिजली प्रोजेक्ट हैं लेकिन उनको बिजली मुहैया नहीं हो रही, जम्मू से पानी की नदियां भर भर के आ रही हैं, पानी की कोई कमी नहीं है लेकिन पानी उनके खेतों तक नहीं पहुंच रहा। ये सोचने वाली बात, ये सरकार चाहती क्या है? 15 लाख से शुरू होकर 5 किलो राशन तक आकर के ये सरकार रुक जाती है। होर्डिंग्स जो हैं वो लाखों और करोड़ों रुपया खर्च कर पूरे हिंदुस्तान, जम्मू कश्मीर के हर एक कोने में लगा दी गई हैं, बड़े बड़े पोस्टर लगाए गए हैं जिसमें ये दर्शाया गया है कि इनके नेताओं के फ़ोटो हैं, मोदी जी का बड़ा सा फ़ोटो है और राशन का अगर फ़ोटो देखें तो छोटा सा फ़ोटो आपको दिखाई देगा। ये 100 रुपये के हिसाब से इंसान की कीमत इन लोगों ने लगा दी, 15 लाख देने की बजाय अब ये 5 किलो राशन पर आकर टिक गए। तो आपको ये समझ लेना चाहिए कि अब जम्मू कश्मीर के लोगों की और भारत के लोगों की दुर्दशा होने वाली है। अब अगर हम बात करेंगे, 80 करोड़ लोगों को राशन देने की बात कही गई है, क्या कभी पहले 80 करोड़ लोग भारत में इतने गरीबी की रेखा तक पहुंचे थे? इन लोगों को और इन लोगों ने इसका सर्वे किया है कि 80 करोड़ लोग जो है वो गरीबी रेखा से नीचे जाने वाले हैं, तो उन लोगों को सिर्फ ये राशन के ऊपर ज़िंदा रहने की एक आस जो है वो दे रहे हैं कि वो सिर्फ खाने पर निर्भर रहें, उन्हें 2 वक्त का खाना मिल जाए, उसी को ज़िंदगी समझना शुरू कर दें। लेकिन अब ये नहीं होगा, अब जम्मू कश्मीर से आम आदमी पार्टी के लोग आवाज़ उठाएंगे, क्योंकि बीजेपी के लोग जो हैं वो नहीं बोल सकते, हालांकि उनके खुद के लोग परेशान हैं, लेकिन उनकी आवाज़ उठाने के लिए अब आम आदमी पार्टी ने शुरुआत कर दी है और अब आवाज़ ये रुकेगी नहीं।